अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आज अपने येलो रिंग नेक को दूसरे के लिए बॉक्स लगाने जा रहा हूँ। सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर कर लें। फ्रेंड्स, ये एवरी में मैंने येलो रिंग नेक का पेयर रखा हुआ है। इस एवरी का साइज़ है 4.5 फीट इसकी वेट है, उसके बाद इसकी 8.5 फीट लेंथ है और तकरीबन इसकी 5 फीट हाइट है। बेस्ट साइज़ है ये किसी भी रिंग नेक के लिए या रॉ पैरट के लिए आपकी एवरी का साइज़। चलें फ्रेंड्स, आगे बॉक्स वगैरह लगाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहली बार इसने 5 एग्स दिए थे जो कि इनफर्टाइल हो गए थे। फर्स्ट ब्रीड कर रही थी फीमेल, सारे के सारे इनफर्टाइल थे। तो इस बार इंशाल्लाह मैंने इसे ब्रीडिंग फार्मूला दिया है, जिसके बाद इंशाल्लाह देखता हूँ कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। फार्मूला भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले इसे बॉक्स लगाते हैं। फ्रेंड्स, आप आ जाते हैं बॉक्स पे। ये बॉक्स है कीकर की लकड़ी से बना हुआ बॉक्स है। आपको पता है बड़े पैरट्स को और देते हैं बॉक्स को 18 इंच, 18.5 इंच इसकी हाइट है और 12.5 इंच इसकी वेट है। बेस्ट साइज़ है ये रिंग नेक के लिए। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने बॉक्स में। जब भी आप न्यू बॉक्स लगाएं, उसके अंदर कोपैक्स या वाइकिंग का पाउडर डालें। ये पाउडर मैं डाल रहा हूँ, तो ये चेक कर सकते हैं। ये किसी भी चूंटी को आपके बॉक्स के अंदर दाखिल होकर आपके बॉक्स को तंग नहीं करने देगा। पाउडर डाल के आप थोड़ा हाथ मार दें ताकि सारे कारनर में पाउडर चला जाए। उसके बाद आप नेस्टिंग दें। नेस्टिंग फ्रेंड्स, आप लकड़ी का मोटा बुरादा दें। बारीक बुरादा है, मोटा बुरादा आप मोटा बुरादा दें नेस्टिंग में, क्योंकि मोटा बुरादा नेस्टिंग में ठीक रहता है। जितने भी बर्ड्स आपके बीट अंदर करेंगे वो बुरादा डिजर्व कर लेंगे। आपने अंदर अंदर फंगस वगैरह नहीं लगने देकर ये नेस्टिंग फ्रेंड्स, ज़्यादा इतनी ज़्यादा नेस्टिंग भी ना डालें कि आपके एग्स उस नेस्टिंग के अंदर दाब जाएं और बर्ड्स को पता ना चले। और इतनी कम भी ना डालें कि बॉक्स का फर्स्ट सामने हो और आप उसको सही तरह से चेक ना कर सकें। चेक करें और बर्ड्स हड़बड़ाएं और आपके एग्स वगैरह टूट जाए। ये क्लोज करके आपको मैं नेस्टिंग चेक करवाऊँ। जब भी आप नेस्टिंग करें उसके बाद उसको सही तरह से दबा दें ताकि नेस्टिंग सही तरह से दब जाए, बर्ड्स के एग नेस्टिंग के अंदर आ जाए। फ्रेंड्स, आपको बताइए ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है, इसको आदमी हैंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके लिए ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ब्लॉक है, इंशाल्लाह इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। फ्रेंड्स, पहले मैंने बॉक्स लगाया हुआ था सेंटर में। पहली वीडियो मैंने जब चढ़ाई, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किए कि आप जो है ना बॉक्स सेंटर में ना लगाएं, आप एक कॉर्नर में बॉक्स लगाएं, क्योंकि सेंटर में बॉक्स सारे ब्रीडर ये कह रहे हैं कि सेंटर में बॉक्स नहीं लगाना चाहिए। उस वजह से अब इस बार मैंने कॉर्नर में बॉक्स लगाया। चलें फ्रेंड्स, आप दुआ कीजिए कि कोई अच्छा रिज़ल्ट आए। इंशाल्लाह इसकी सफाई सफाई कर लेते हैं। चेक कर सकते हैं काफ़ी गर्द पड़ा हुआ है, इसकी सफाई सफाई कर लेते हैं, फिर पेयर को छोड़ते हैं इसके अंदर, आपको चेक करवा दें। माशाल्लाह फ्रेंड, ये पेयर आप चेक कर सकते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल की थोड़ी दुम गिरी हुई है, इसलिए साइज़ कम नज़र आ रहा है। मेल फुल रेडी है, ये चेक कर सकते हैं। इसको मैंने ब्रीडिंग फार्मूला दिया है, उसके बाद फिर मैंने इसको बॉक्स दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ जो है ना ब्रीडिंग फार्मूला भी शेयर करेंगे। ये पेयर आप चेक कर सकते हैं, फुल
मतलब रेडी हुआ है दूसरी क्रैच के लिए। इंशाल्लाह इसे आगे भी आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, नए व्यूअर्स का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।